नुकसान इसलिए है कि क्योंकि हमारे आशाओं की सबकी ड्यूटी इतनी तगड़ी लगा रखी, ना तो उनको सैनिटाइज दिया गया, ना उनको मास्क दिए गए, ना उनको ग्लव्स दिए गए, और क्या कहते हैं, इन लोगों के साथ परेशानी इतनी ज़्यादा आ रही कि गांव में प्रधान भी इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, 24 घंटे इनको मतलब वहीं बैठे रहो कह रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आशाओं के साथ दिक्कत है, ना तो उनको कुछ दिया जा रहा है, वो बहुत परेशान है। और मैं तो 50 साल से ऊपर एज है, मेरे स्वास्थ्य खुद वो नहीं है, मैं तो बिल्कुल इसमें लिख के दे रहा हूँ कि ये ऐसे परेशान है, देखिए मेरे लिए बहुत कठिन है इनकी, तो 50 साल से हॉस्पिटल से लिख दिया था प्रधान ने, ड्यूटी जबरदस्ती लगा दी। प्रधान जबरदस्ती। कितनी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 52 थी। हाँ। यहाँ से तो दे दिया है लिख के। हाँ। प्रधान नहीं मान रहा। तो क्या क्या दिक्कत हो रही है? मैं चढ़ाई चढ़ाई है, और इतना घर का भी हुआ, न तो हमको यहाँ से एक पैसा मिल रहा है, अगर हम घर में अपनी गाय बच्चों का नहीं करें, हम खाएं क्या, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, और क्या कहा, इतनी दौड़ भागी में मेरे तो हालत बहुत खराब हो रहे, जिसमें मुझे हफ्ते का ड्यूटी स्कूलों में लगी है, अच्छा 7 घंटे ड्यूटी लग रही है, और हमें ये चाहते हैं कि हमें महीने का लॉकडाउन भत्ता मिलना चाहिए ये ड्यूटी के दौरान, या तो कुछ मिलता है, एक तो कुछ न मास्क मिला, न सैनिटाइजर मिला, और साथ ग्लव्स भी नहीं मिले, पीपी किट होना चाहिए वैसे तो हमारे लिए। लॉकडाउन भत्ता और क्या मांग है? और हमारी मानदेय, महीने की मानदेय तो वो है ही, अभी के लिए है लॉकडाउन भत्ता 10,000 होना चाहिए हमारा, बिल्कुल होना चाहिए। अब 1,000 रुपये देंगे कह रहे हैं, 1,000 रुपये में क्या हो गया, तो हम एक दिन का तो 400 रुपया लेबर ले रहा है, 300 रुपया महिलाएं ले रही हैं, घर में हम काम कराते हैं तो महिलाएं 300 रुपये ले रही हैं, हम 4 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करके महीने में 1,000 देंगे, अब आप ही सोचिए, वो भी विषय हुआ कि नहीं, वो भी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा उसका पता नहीं है, या तो जो सरकारी कर्मचारी घर में बैठे उनकी ड्यूटी लगाए, जो तनख्वाह ले रही है, जिनको तनख्वाह मिल रही है, क्योंकि तनख्वाह वाले भी घर के अंदर छिपे बैठे हैं, आशाओं की ड्यूटी, अगर कहीं पर कोई मिल जा रहा था आशा जाएगी, आशा के अलावा कोई नहीं जाएगा वहाँ पर, आशा की ड्यूटी है ऐसा कह के हमको टाल दे रहे हैं, अगर आशा की ड्यूटी है तो आशा को उस लायक का मानदेय भी दो, या तो ड्यूटी दिन का दो, या दिन की कोई दिहाड़ी रखे दिन का दो, या महीने में दो तो अच्छा खासा पैसा दो, ये 1,000 रुपये से तो 1,000 से तो हमारी समाज सेवा अच्छी ठहरी, 1,000 रुपया तो अगर हम पैसे वाले होते हम ही दान दे देते गरीब को, हमारे पास खुद अपने खाने के लिए पति है, हमारे बेरोजगार घर में बैठे हैं 2-2.5 महीने से, बताओ हम क्या खा रहे होंगे, क्या इसके लिए भी तो सोचना चाहिए ना सरकार ने, ये खाना कहाँ से लाएंगे, कैसे पालेंगे अपने बच्चों को, करके थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को। कर रहे हैं जब से हम लगे थे तब से हम रोज 2011 से 11 से हम लगातार हैं, लेकिन हमें अभी तक हमें नहीं कहीं पर भी नहीं, और जो भी हमें प्रोत्साहन राशि मिलती थी वो भी इनने खत्म कर दी है, अक्टूबर से वो भी नहीं मिला।